कसरावत पिपलगुण मार्ग को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही इस मार्ग का प्राकलन पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता द्वारा तैयार किया जा चुका है। खरगोन पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री विजय सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने भारी वाहन के प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 23.40 किलोमीटर के इस मार्ग के निर्माण के लिए 5,026.27 लाख रुपए का प्राकलन तैयार किया गया है। कसरावत SDM संघ प्रिय ने जानकारी देते हुए बताया कि कसरावत पीपलगोन मार्ग तहसील का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग से सीधे सनावत व बड़वा जुड़ता है। यह मार्ग धार्मिक और पारंपरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मार्ग है। साथ ही इस मार्ग को लेकर ग्रामवासियों ने भी आवेदन प्रस्तुत किए हैं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जो हमारा क्षेत्र का कसरावत पिपलगुण से होकर बेड़िया ITPC प्लांट में जो मार्ग है हमारा, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके संबंध में पिछले कई समय से प्रयास किया जा रहा है उसके निर्माण के संबंध में, जिसमें शासन स्तर से बजट भी स्वीकृत हो चुका है और शीघ्र ही निर्माण कार्य यहाँ मौके पर होने की संभावना है। परंतु तब तक जो एक परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं जिसमें रोड की स्थिति बहुत खराब है, दुगावा पुल की भी स्थिति बहुत खराब है, उसके संबंध में आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से आदेशित किया गया है कि इस मार्ग पर जो भारी वाहन है, ब्लगर है, कैप्सूल है, ये सब यहाँ पर प्रतिबंधित किए जाते हैं। तो इस अनुसार मैं आपके माध्यम से सभी जो भारी वाहन के मालिकों को सूचित करना चाहूँगा कि वो लोग कृपया इस मार्ग से कसरावत से होते हुए NTPC प्लांट या बेड़िया की तरफ मत जाएं पिपलगुण होते हुए, वो मंडलेश्वर से बड़वा होते हुए ही उस मार्ग से जाएंगे। अगर इस मार्ग पर कोई भी ऐसा भारी वाहन पाया जाएगा तो कलेक्टर महोदय के आदेश के उल्लंघन में उन पर कार्रवाई की जाएगी और वाहन जब्त किया जाएगा। सर, इसमें कोई रोकथाम के लिए कोई किसी को खड़ा किया जैसे पुलिस सुरक्षा के हिसाब से? बिल्कुल, इसमें जैसे कि पुलिस विभाग को भी इस आदेश की तामीली कराई गई है और जहाँ पर वाहन का जो कसरावत से प्रवेश होगा और वहाँ बेड़िया की तरफ से प्रवेश होगा वो लोग इसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। इसी प्रकार जो दुगावा पुल की स्थिति है वो भी बहुत खराब है और इसके संबंध में हम लोग कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार विभाग द्वारा वहाँ पर तत्काल प्रभाव से गिट्टी वगैरह डालकर गड्ढे मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।